एमपीपीएससी 2024 पेपर लीक मामले पर बड़ी अपडेट सामने आई है। इंदौर पुलिस ने एमपीपीएससी 2024 का पेपर टेलीग्राम ग्रुप पर लीक करने वाले आरोपी को ट्रेस कर लिया है। द सूत्र ने सबसे पहले 22 जून को खुलासा किया था कि पेपर लीक नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना है और पीएससी 2024 प्री का पेपर इस पर लीक करने की बात कही जा रही है। इस पर 2500 रुपए और 2000 में डील कर पेपर बेचे जाने का दावा है। द सूत्र की न्यूज के बाद पीएससी ने पूरे मामले में संयोगितागंज थाने में शिकायत की, जिसके बाद अब आरोपी को ट्रेस कर लिया गया है। और हैरानी की बात तो ये है कि एमपीपीएससी 2024 पेपर लीक का आरोपी कोई शातिर अपराधी नहीं बल्कि 16 साल का नाबालिग निकला और यूट्यूब से पेपर लीक करने का तरीका सीखता था। हालांकि एमपीपीएससी के अधिकारी ने पेपर लीक की बात से इनकार कर दिया था। अगले दिन 23 जून को जब एग्जाम हुआ और पेपर को मैच किया गया तो पेपर फर्जी निकला। अब सवाल ये है कि क्या 16 साल का नाबालिग इतना बड़ा अपराध कर सकता है या फिर इसके साथ और लोग भी शामिल हो सकते हैं? ये तो जांच में ही सामने आएगा। इंदौर से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द सूत्र। धन्यवाद। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।